सिसोदिया कैसेट की नई पेशकश। हाँ तो मेहरबानो, यह आपके सामने बात होगी महाभारत के इतिहास से, और बात उस समय से है जबकि चित्र विचित्र जवान हो जाते हैं और राजा रिसालू अपनी तीन लड़कियों का स्वयं रच देता है, अंबा और अंबली अंबाली। तो पिता भीष्म तैयार होकर के ये सोचता है कि चलो दोनों भाइयों के सर का मोड़ बांध के वो स्वयं में शादी करके लाऊंगा। तो पिता भीष्म आके स्वयं में आके तीनों लड़कियों को कहकर खबरदार, वे लड़के अपने रथ में बैठा लेता है और जिसका कोई संदेह हो या चल लड़ना हो वो वे आ सकता है। तो क्या लिख दिया कवि ने बोला, अम्बा अम्बाली अम्बली भीष्म जी के रथ में बैठ गई और कवि ने क्या कहता, सारे योद्धा बलहीन हुए और नीची नार झुका ली, भीष्म जी ने किन्नौ छोरी अपने रथ में बैठा ली। अरे राजा बलहीन हुए और नीची नार झुका ली, छोरी अपने रथ में बैठाली। मैं क्या कह दिया भला, भाई सब दूर से आशा करके आए थे तो सभी को यह था भाई भला, वो कह दिया कि जड़ जमीन जोरू भाई से कौन छोड़ दिया, पर फिर भी क्या लिख दिया भला। जैसा नहीं दूसरा जन्मा कोई जगत में, और श्री गंगे का शहर गरज रहा प्रतिज्ञा के सत में, सारे योद्धा सोचे थे अब कौन पड़ा आफत में, सारे राजा सोचे थे और धनुष उठा के देवरत्न बसव गुरु की खाली, भीष्म जी ने तीनों छोरी अपने रथ में बैठाली। धरती पे किसे के धोरे धारा छोड़ी दल कोना, है बड़े बड़े सागर दुनिया में पर गंगे जैसा जल कोना, खटरस की मजबूरी है ये आम के जैसा फल कोना, खटरस की मजबूरी है ये आम के जैसा फल में बैठा ली।
वाप कटे वाप कटे तागे हो रही धनुष में गजब गरज हो रही धनुष में गजब गरज फेरे चिंगारी सिर बरसे एक बाण में सब राजों के ताज तार लिए सरे से एक बाण में सब राजों के ताज तार और गजवर दिग्गज काँप रहे थे गजवर दिग्गज काँप रहे थे भीष्म जी के डर से तीन चीज का है झगड़ा जग में जोर जमी और चरे से तीन चीज का झगड़ा है जग में छतरा बनकी भर के घनी मरोड़ चला संतों का सुत छतरा बनकी भर के घनी मरोड़ चला श्री दुर्गा गुरु की आज्ञा से रथ खतनापुर की मोड़ चला चित्र चित्र अपने भाइयों के बाण कसी पे मोड़ चला चित्र चित्र अपने भाइयों के बाण कसी पे मोड़ जोड़ चला गई हसनापुर मेरे जहली समझी ने किन्नौ छोरी अपने रथ में बैठाली समझी ने किन्नौ छोरी अपने रथ में बैठाली सारे योद्धा बल ही न हुए सारे योद्धा बल ही न हुए नीचे नारे झुकाली समझी ने किन्नौ छोरी अपने रथ में समझी ने तीनों छोरी अपने रथ में बैठाई।